हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेस्कटॉप पब्लिशिंग टिप्स। और दोस्तों, आज मैं अपने इस चैनल पर बात करूंगा वैकम टैबलेट के बारे में कि हम उसको अपने सिस्टम में किस प्रकार से इंस्टॉल कर सकते हैं। और अपनी आने वाली वीडियो में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि हम उसको किस प्रकार से फोटोशॉप के अंदर प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों, यदि आप फोटोशॉप यूज़ करते हैं तो वैकम की जो पेन टैबलेट है वह बहुत ही एक जरूरी चीज़ है कि यार आप जरूरी हार्डवेयर है कि आपको उसको फोटोशॉप में जब कलरिंग करते हैं या जो भी आप कुछ डिज़ाइन बनाते हैं तो उसका काफ़ी यूज होता है। और बहुत सारे जो डिज़ाइनर्स हैं या इलस्ट्रेटर्स हैं या जो भी फोटोशॉप में कलरिंग करते हैं वो सभी इस वैकम, जो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर जो पेन टैबलेट का बॉक्स है जो मैंने रिसेंटली मंगाया है, उसका काफ़ी प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों, जब हम नया बॉक्स मंगवाते हैं तो हमें इसके अंदर जो सामान मिलता है वह एक तो हमारा पेन टैबलेट होता है, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। जो पहली चीज़ है आपकी ये पेन टैबलेट मिलती है एक, और इसके अंदर एक पेन होता है। और उसके अलावा इसके अंदर आप एक यूएसबी पोर्ट देख पाते हैं कि जो यूएसबी पोर्ट है वो दी होती है। और इसके अलावा इसके अंदर एक छोटा सा पैकेट और होता है जिसके अंदर क्या हमारे पास तीन पेन होते हैं। आप जहाँ देख पा रहे हैं निब होती है, और एक उस निब को निकालने के लिए यानी जो हमारा पेन लगा होता है यहाँ पर जो निब लगी होती है उस निब को निकालने के लिए एक रिंग दी जाती है, ताकि आप यदि आपका जो पेन है वह ख़त्म हो जाए या घिस जाए तो आप उसको किस प्रकार से निकाल सकते हैं और उसको कैसे बाद में उसमें और ऐड करके प्रयोग करके आप उसे किस प्रकार से यूज कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि यह एक पेन टैबलेट है, इसके अंदर से जो इसका पेन निब होती है वो घिस जाती है, तो उसको किस प्रकार से इस रिंग का प्रयोग करके उसको निकालते हैं और बाद में जो नई निब दे रखी है उन्होंने उसमें इस पर इंसर्ट कर देते हैं ताकि हम उसको दोबारा पेन को यूज कर पाएँ। ठीक है दोस्तों, तो ये तो था कि हम जो नया बॉक्स मंगाते हैं उसके बॉक्स को मंगाने के बाद उसमें हमें क्या क्या प्राप्त होता है। अब दोस्तों, हम इसको अपने सिस्टम में किस प्रकार से इंस्टॉल कर सकते हैं, अब मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले दोस्तों कि जब हमारे ये बॉक्स खोलते हैं तो इसमें हमें कोई सीडी प्राप्त नहीं होती, यानी कि हम इसको जो ड्राइवर है वह उसको सिस्टम में किस प्रकार से इंस्टॉल करें हमें कोई सीडी प्राप्त नहीं होती है। और यदि हम इसको अपने सिस्टम पर अटैच करते हैं, जैसे कि मैं इसको अपने सिस्टम पर अटैच करने जा रहा हूँ, तो देखिए कि क्या होता है। तो जैसा कि दोस्तों आप यहाँ देख रहे हैं, जैसे ही मैंने इस टैबलेट को अपने सिस्टम पर लगाया है और यहाँ पे उसने जो फर्स्ट डिवाइस दिखाया है यूएसबी कंपोजिट डिवाइस और उसको रेडी टू यूज़ कर दिया, बट जो एक्चुअल ड्राइवर है CTL-672 यानी जो मैंने ये वर्जन मंगाया है, इसका दो वर्जन आते हैं, एक 472 होता है एक 672 होता है। तो 472 डिवाइस थोड़ा दोस्तों इससे छोटा होता है और ये हमारा जो डिवाइस है वो 8.5 इंच 5.5 इंच लगभग होता है, तो 672 बड़ा होता है, मीडियम साइज़ है और इससे बड़े भी आते हैं दोस्तों। तो लेकिन इसने क्या किया यहाँ पे कि ऐसे ही मैं विंडोज़ मेरा जो है नेट से कनेक्टेड है तो देख रहे हैं कि यह सर्चिंग फॉर विंडोज़ अपडेट कर रहा है, जो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है और कई बार डिवाइस प्रॉपर इंस्टॉल नहीं हो पाता है। और दोस्तों, और इस बॉक्स के अंदर हमें कोई सीडी भी नहीं मिलती है, तो हम इस ड्राइवर को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ। अभी जैसा कि दोस्तों आप यहाँ देख पा रहे हैं कि इसने जो है विंडोज़ ने इसको प्रॉपर दिखा दिया है, रेडी टू यूज कर दिया है। लेकिन दोस्तों, यदि आप वैकम टैबलेट यूज कर रहे हैं और आपने इसको अपने सिस्टम पर इंस्टॉल किया है तो आप देखेंगे कि यह डिवाइस प्रॉपर काम नहीं करता है, क्योंकि यदि दोस्तों यदि आप अपने माउस पैड को, यदि माउस जो पेन टैबलेट है उसको आप यहाँ पर टच करना चाहते हैं, इस कोने पर टच करेंगे तो जैसे ही आप इस कोने पर टच करेंगे तो आपका जो माउस पॉइंटर है वो अपने आप इस कोने पर शिफ्ट हो जाना चाहिए। जैसा कि आप यहाँ मेरे स्क्रीन पर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो मेरे क्लिक करने पर क्या हो रहा है कि डिवाइस यहाँ पर दिखा दिया कि मैंने यहाँ पर प्रॉपर इंस्टॉल हो गया है, लेकिन मैं जिसको यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये मेरा पेन टैबलेट अपने आप इस जगह पर मूव नहीं करता है। इसका मतलब कि यह डिवाइस जो है, यदि मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो ये माउस पॉइंटर है, क्योंकि ये जो है ये इससे दिखा रहे हैं कि ये मेरी फुल स्क्रीन है और मैं जहाँ क्लिक करूँगा मेरा माउस पॉइंटर जो है वो अपने आप उस जगह पर मूव कर जाना चाहिए, लेकिन अभी वो मूव नहीं कर रहा है दोस्तों। तो इसका मतलब कि ड्राइवर प्रॉपर इंस्टॉल नहीं है। तो अब इंस्टॉल कैसे करें, अब इसके लिए दोस्तों हम नेट खोलते हैं और नेट खोलने के बाद मैंने खोला यहाँ पर गूगल और मैंने सर्च किया वैकम। जैसे मैं वैकम सर्च करूँगा दोस्तों, आप यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो वैकम की वेबसाइट है वो खुल जाएगी और यहाँ पे आप देखिए नीचे इसमें प्रोडक्ट्स, पेन डिस्प्लेस, पेन टैबलेट्स, इंग्लिश वगैरह बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं जो वेबसाइट के अंदर इनकी वेबसाइट में होंगे। तो हमने क्या करना है, हमने क्लिक करना है पेन टैबलेट्स पर। जैसे मैं पेन टैबलेट पर क्लिक करता हूँ तो जैसे आप क्लिक करेंगे आपके पास एक नई विंडो खुल जाएगी इस नाम से, पेन टैबलेट डाइक डिजिटाइट जो नाम दिया हुआ है
डिजिटाइजर टैबलेट के नाम से एक नई विंडो खुल जाएगी और वही विंडो आपकी रिप्लेस हो जाएगी। अब दोस्तों इसमें क्या है, जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जैसे आप नीचे जाएंगे, यहाँ पे आपका वैकम इंटूस प्रो और वैकम इंटूस और वन बाई वैकम डिवाइस, यानी जो वैकम है वो तीन तरह के टैबलेट्स बनाता है जो आजकल यूज में आते हैं, और जो मैंने मंगवाया है वो है, इसका नाम है वन बाई वैकम। आप इस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे एक्सप्लोर पे। तो जैसे आप दोस्तों यहाँ एक्सप्लोर पर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर क्लिक जैसे क्लिक करेंगे तो ये विंडो खुल जाती है, जैसे कि यहाँ मेरी स्क्रीन पर विंडो खुली हुई है। आपका पेन टैबलेट इस तरीके का दोस्तों होगा, बिल्कुल सेम यही मॉडल होगा। इसमें एक पेन दिया होता है, बाकी तीन निब दी होती हैं और एक निब निकालने के लिए एक रिंग दी होती है। अब जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर क्लिक करने के बाद इसमें पूरा एक आपको वो खुल पूरी विंडो खुल जाएगी, और शुरुआत में ही यहाँ पर सबसे टॉप ऊपर ऊपर करके यहाँ दिया हुआ होता है गेटिंग स्टार्टेड, आपने इस पर क्लिक करना है। और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपका एक जो विंडो है वो रिप्लेस हो जाएगा इस विंडो से, कि जहाँ पे आपका डिवाइस ड्राइवर जहाँ से आप इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ देखिए स्टेप वन पे इस पर दिया हुआ है प्लग द यूएसबी केबल, तो यहाँ जैसे मैंने अपने सिस्टम पे जो मेरा पेन टैबलेट है उसके मैंने केबल लगा दिया है, और उसके बाद है कि डाउनलोड एंड इंस्टॉल दिस ड्राइवर, और उसके बाद सिस्टम को रिस्टार्ट एंड फॉलो द ऑन स्क्रीन सेटअप इंस्ट्रक्शन, वाट एवर जो भी इंस्ट्रक्शन आती हैं जो इन्होंने तीन स्टेप दे रखे हैं कि आपको वो करना है। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करने के साथ ही आपको ये ऑप्शन दे देगा कि वैकम टैबलेट 6.3.35-3.exe फाइल नाम की एक डाउनलोड होगी, कि आप इसको सेव करना चाहते हैं आप इसको सेव कर लीजिए। चूँकि ये फाइल मैं पहले ही सेव कर चुका हूँ डेस्कटॉप पर, तो मैं इसको डाउनलोड नहीं करूँगा, और मेरे डेस्कटॉप पर मैंने इस फाइल को ये रखा हुआ है, यहाँ पर ये पड़ी हुई है, मैं इसको इस फाइल से रन करता हूं अपने इस टैबलेट को। और जैसे जैसे मैं यहां रन करता हूं, ये दोस्तों ये तरीका है इंस्टॉलेशन का कि आप विंडोज़ जो वैकम टैबलेट है आप इसको किस प्रकार से इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, मैंने क्लिक किया तो इसके बाद इसने इसको सबसे पहले तो इसको एक्सट्रैक्ट किया कि इससे जो जो फाइलें होती हैं वो सारी फाइलें उनको एक्सट्रैक्ट करेगा। हम इस विंडो को बंद कर देते हैं जो हम पहले कर चुके हैं, जो विंडोज़ ने अपने आप किया, क्लोज कर देते हैं। अब इसके बाद एक वार्निंग मैसेज आता है जो यूएसबी कंट्रोल विंडोज़ का है, कि क्या आप इस डिवाइस को इंस्टॉल करना चाहते हैं या जो भी ड्राइवर यहाँ पे दे रहा है उसको आप इंस्टॉल करना चाहते हैं। तो हम करेंगे यस पे क्लिक करना है। यस पे जैसे ही क्लिक करेंगे लाइसेंस वो जो आता है एग्रीमेंट लाइसेंस वो आएगा, हमने इसको एक्सेप्ट पे क्लिक कर देना है। और एक्सेप्ट पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ मैसेज दे रहा है कि प्लीज़ बी पेशेंट दिस में टेक अ फ्यू मिनट्स, तो कुछ समय लगेगा ये सिस्टम आपका जो ड्राइवर है ये इसमें इंस्टॉल हो जाएगा। तो जैसा कि दोस्तों आपने देखा कि यह जो उसका ड्राइवर है वैकम का वह सिस्टम में इंस्टॉल हो गया है, और अब ये कह रहा है कि सिस्टम को रीस्टार्ट नाउ करिए या फिर रीस्टार्ट लेटर करिए। तो मैं यहाँ पर यूज करता हूँ रीस्टार्ट नाउ, और इसके बाद देखते हैं दोस्तों क्या होता है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने अपना सिस्टम अभी अभी रीस्टार्ट किया है, और रीस्टार्ट करने के साथ ही जैसे ही मैंने अपना पेन टैबलेट दोबारा लगाया है मेरे सामने यह स्क्रीन एक जो आप देख पा रहे हैं वैकम डेस्कटॉप सेंटर यह स्क्रीन खुल गई है। और इसके अंदर दोस्तों आप देख रहे हैं जैसे अब मेरा पेन टैबलेट मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो जैसे आप देखिए यहाँ मेरा पॉइंटर यहाँ पर है और मैंने इसकी पोजिशन जो है अपने डायरेक्ट जो पेन टैबलेट पर मेरा जो टॉप एक्सट्रीम कॉर्नर है राइट वाला मैंने वहाँ रखा। आप देखिए उसकी पोजीशन अब यहाँ अपने आप मूव हो गई है। यहाँ से दोस्तों यदि मैं सिर्फ जो स्टार्टिंग मेरा है यहाँ मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ स्टार्ट पे, जैसे आप मेरे दोस्तों यहाँ पे स्टार्ट देखिए मेरा माउस पॉइंटर अपने आप यहाँ मूव हो जाता है। दोस्तों यानी इसमें आप जैसे माउस यूज़ करते थे, माउस से आप स्क्रीन को मूव करते थे अपने पॉइंटर को, इसमें वैसे ही आपको मूवमेंट दिखाई नहीं देगी। आप जहाँ भी क्लिक करेंगे आपका पॉइंटर अपने आप वहाँ से वहाँ जंप करता है दोस्तों। इसमें आपको मोशन नहीं दिखेगा, ऐसे ही मोशन दिखता है। तो इसका मतलब यदि आप मोशन नहीं देख पा रहे हैं आपका पॉइंटर वहाँ जंप कर रहा है, तो आपको जो ड्राइवर है वह आपका जो सिस्टम पे प्रॉपर इंस्टॉल हो गया है, और आप इसको कैसे भी यूज कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, और इसके अंदर आप एक चीज़ और देख रहे हैं कि इस डेस्कटॉप सेंटर पर इसमें अपडेट्स का फीचर अपने आप दे दिया है इसने। यदि आपका ड्राइवर जो है पुराना ड्राइवर है तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको तुरंत यहाँ दिखा देगा कि आपका ड्राइवर जो करंट आप यूज़ कर रहे हैं वो कौन सा है, और आपका जब नया ड्राइवर जो बैकअप में दे दिया है वह ड्राइवर कौन सा है, तो आप इसको यहाँ से भी यूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये तरीका था कि आप वैकम को अपने सिस्टम पे किस प्रकार से इंस्टॉल कर सकते हैं।
और मैंने आपको यह भी बता दिया है कि आप इस ड्राइवर को कहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं, कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं इंस्टॉल करने के लिए। यदि आपको वहाँ पर लिंक नहीं मिल रहा है जहाँ मैंने आपको बताया है, तो आप मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल दूंगा कि जहाँ से जो इसका करंट जो वर्जन है 6.3.35 जो वर्जन है, या आप उसको वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक जो मेरी वेबसाइट है dtptips.com, इसको मैं वहाँ भी डाल दूंगा और आप इसको वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं और अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगे कि आप वैकम को जो पेन टैबलेट है उसको आप अपने सिस्टम में किस प्रकार से इंस्टॉल करेंगे, मुझे अपने कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए दोस्तों। और आप अपने आगे आने वाली वीडियो में इसका हम जो पेन टैबलेट है इसको हम फोटोशॉप में किस प्रकार से यूज करते हैं इसके बारे में भी बताऊँगा। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, धन्यवाद।